मोहतरमा गणेश फातिमा साहब से रुजू हो जाएं। आने वाले 10 तारीख के दिन 10 मई के दिन सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक 6 बजे तक कसीर तादाद में आपके भारी अक्सरत में वोट देकर कांग्रेस को कामयाब करना है। जो है ना 10 तारीख को सभी हजरात से गुजारिश की जाती है कि अच्छे अच्छे ज्यादा से ज्यादा बहुमत में वोट देकर कामयाब बनाइए। इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होंगी। इससे पहले भी इलेक्शन में कामयाबी हुई, अभी भी इंशाल्लाह कामयाबी हुई है। इंशाल्लाह मैडम हमारे पास आए, हमको बहुत खुशी हुई और हमेशा से हम खमर साहब को डाले हैं। इंशाल्लाह मैडम को फिर आपकी अच्छी भारी अक्सरियत से जीता के कांग्रेस पार्टी को इंशाल्लाह कर्नाटक में विन कराने का है और सबका साथ और सबका विकास के लिए कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और ये खाली दूसरी पार्टियाँ खाली जुमलाबाज पार्टियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में अगर कोई कर सकता है हमारे गणेश फातिमा गुलबर्ग के लिए बहुत डेवलप कर रहे हैं और हमारे खरगे साहब भी बहुत अच्छे लीडर हैं और उनका भी जो है ना बहुत बड़ा ताउन है गुलबर्ग के लिए। खासकर उनको बड़ा KPCC का प्रेसिडेंट बनाने की वजह से हम लोगों का AICC का प्रेसिडेंट बनाने की वजह से हम लोगों को भी सब भी इंशाल्लाह उनकी मदद करेंगे और गणेश फातिमा को मैडम को ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत से जिता कर लेंगे। और पूरे लोगों को आज कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी बहुत सख्त ज़रूरत है ऐसे हालात में ऐसे सिचुएशन में। इंशाल्लाह ताला अभी कांग्रेस अगर आएंगे तो बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि हम अब तक खमर साहब को डाले हैं, हमेशा खमर साहब के फॉलोअर थे। इंशाल्लाह अब के भी खमर से मैडम को इंशाल्लाह अक्सरियत से ज़्यादा से ज़्यादा जिताने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम जो है गणेश फातिमा की जो है फिर दोबारा मौका मिला आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इंशाल्लाह सिचुएशन के हिसाब से आज के हालात के हिसाब से ये मैडम गणेश फातिमा को जिताना बहुत ज़रूरी है। क्या चाहे इसके लिए हमको हर तरह की कोशिश करना पड़े, समझे। हालात जो है बहुत नाजुक होते जा रहे हैं सिचुएशन को देखते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम तमाम को जो है नॉर्थ हल्के में सर यानी कि हर तरह की कोशिश करके जो है कामयाब कराना इंशाल्लाह जी। अगर अब के बार अगर हम गलती करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। तो फ्यूचर में हमारी जो है आने वाली जनरेशन को उनके जो है हालात को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी तरह से जो है इस सीट को हमको जो है बचाना है और कर्नाटक के अंदर स्पेशली कांग्रेस पार्टी को लेकर आना है।